हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उमाद लतीफ। गाइस चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल की तरफ डायरेक्ट, जो है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो आई है खान साहब की। तो खान सर ने इसमें जो वीडियो का टाइटल बताया हुआ है, इंडियन ट्रूप्स ऑन चाइना बॉर्डर, मतलब इंडियन के जो ज़्यादा सोल्जर्स हैं, आर्मी है, वो चाइना के बॉर्डर पर पहुँच चुकी है इस वक्त। और वीडियो का टाइटल है थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, और ड्रोन अटैक ऑन जम्मू। ये सब जो इस पे जो बातें हैं इसमें खान सर इसमें डिटेल से बताएंगे, ये क्या इशू हुआ है, क्या मसले मसाइल हुए हैं, इस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, मजे की वीडियो होगी गाइस। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, भारत चीन सीमा पर एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। मिरर मतलब होता है आमने सामने, जितनी उधर फौज उतनी इधर फौज, जिस तरह शीशा में हम देखते हैं जितनी उधर जितना उधर दिखता है उतना इधर दिखता है, तो भारत और चीन की सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। देखिए, चीन की पूरी मंशा है कि अगले 2 से 3 साल में वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो पीओके की बलि दे देगा, क्योंकि चाइना के ही दम पर पाकिस्तान कूदता है, वो इस बार उसको बलि देगा। और इस हम देखते हैं कि जो अभी ड्रोन अटैक हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए भारत ने कौन कौन से थिएटर कमांड या एयर डिफेंस कमांड बनाए, ये क्या चीज यहाँ चल रहा है। देखिए, चाइना कई हद तक वो चाहता है चाइना कि वो अपने पूर्वी साइड में ताइवान पर कब्जा कर ले, लेकिन इधर भारत को वो कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए लगातार सेना बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या क्या है कि उसकी फौज उतनी हाई एल्टीट्यूड पे एक्यूमिडाइज नहीं कर पा रही है, और भारत की सेना इस हद तक इसमें सक्षम है। तो चाइना इसके लिए कई तरह की रणनीति चल रहा है। चाइना का चाल यह है कि वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है इस साइड में, लेकिन उससे ये दूरी इतनी खतरनाक है और इतना पर्वत एरिया है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो इस एरिया में काउंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि ताइवान अकेला रह जाएगा। ताइवान को बचाने के लिए नाटो सेना, अमेरिका, यूरोप जरूर आएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए जरूरी है चाइना को कि वो दूर से आएंगे तो भारत यहाँ न्यूट्रल पड़ा रहा है, इसलिए भारत को इधर चौतरफा घेरता है। चाइना जो है ये जिबूती में उसकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा देके उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है और वहाँ अपनी अपनी आर्मी का बेस बना लिया। भारत का अभी किसी भी दूसरे देश में ऑपरेशनल एयर बेस नहीं बन पाया है अभी तक। तो जिबूती में तो कई देशों का है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कई देश का है। अब यहाँ तंजानिया उसका नया शिकार बन गया है। तंजानिया में वो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है यहाँ पर। इस तंजानिया को काउंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ एजम्सन आइलैंड था, बट वहाँ की सेशल्स गवर्नमेंट ने एजम्सन आइलैंड को मना कर दिया। लेकिन एजम्सन आइलैंड पर मिलना बहुत मुश्किल है, हम लोग को वहाँ पर नेवल बेस नहीं मिल पाएगा। तो एजम्सन आइलैंड के बगल में यहाँ पर सेशल्स है, मॉरिशस एक देश है। तो मॉरिशस का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, मॉरिशस अपना द्वीप हमें दे सकता है नेवी के लिए। रीजन क्या है, देखिए, मॉरिशस ने अपना एक रियूनियन द्वीप ऑलरेडी फ्रांस को दे रखा है। तो यहाँ फ्रांस है और यहाँ पर डिगो गार्सिया है, इस डिगो गार्सिया पर अमेरिका, यूएस है और ब्रिटेन है यहाँ पर। तो इन अगर यहाँ हमारी नेवी आ जाती है यहाँ पर मॉरिशस द्वीप पर, तो मॉरिशस के पास आ जाती है तो हमारा फ्रांस से भी समझौता है, अमेरिका से भी समझौता है, तो हम यहाँ पर अकेले इस एरिया को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन चाइना तंजानिया में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर उसने पूरी तरह से सी पोर्ट वगैरह डेवलपमेंट करने का इरादा कर रहा है। ये केवल और केवल चाइना की चाल है कि जब इधर चलेगा तो वो अपनी भारत अपनी पूरी नेवी को इधर ना भेज सके, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना रहेगा तो हम लोग इधर नहीं भेज सकते अपनी नेवी को। इस एरिया में चाइना अफ्रीका के साइड में तो डिस्टर्बेंस कर ही दिया, साथ में हम लोग यहाँ से पूरी नेवी को इधर नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी है, वो चाइना के इशारे पर ही यहाँ डिस्टर्बेंस चालू करेगा जब चाइना इधर ताइवान पर अटैक करेगा। तो अभी चाइना क्या है, श्रीलंका को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा दिया है। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने इतना पैसा दिया कि ये लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, और अब ये श्रीलंका एयरपोर्ट ने ये यहाँ का कोलंबो पोर्ट चाइना जो है 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। अब बताइए, ये महिंद्रा राजपक्षे ये इनको फीता कटवा रहे थे, इस ससुरा उसका खतना काट दिया यहाँ पे। अब क्या करोगे भैया, चाइना पे भरोसा करोगे तो यही होगा। अभी चाइना ना क्या कर रहा है, श्रीलंका में एक शहर बनाने जा रहा है, उसके नीचे जो मिनी चाइना होगा वहाँ चाइना का संविधान लागू होगा, चाइना के लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता है, चाइना की कंपनी रहेगी वहाँ, चाइना की मुद्रा चलेगी, चाइना का सिम कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, वीजा चलेगा, स्कूल चलेगा, सब। वो एक मिनी चाइना है यहाँ पर। अब हमारे लिए सरदर्द है कि हमारे नीचे यहाँ बैठ जाएगा चाइना यहाँ पर, और चाइना, श्रीलंका खुद चाइना से परेशान है, वहाँ चाइना के वर्कर ना वर्दी पहन के घूम रहा है सब फौज की तरह, और वहाँ के लोग को एक दो हाथ लगा दे रहा है सब। अब वहाँ श्रीलंका के लोगों को समझ में आ गया, चाइना जो है ना वो भारत को घेरना चाहता है, वो बस हर हाल में चाहता है कि ताइवान को कब्जा कर लेना। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जिबूती में फंसा रहा है, तंजानिया में फंसा रहा है, यहाँ फंसा रहा है, ग्वादर पोर्ट पर फंसा रहा है, मतलब आप इधर ही उलझे रहिए। साथ ही वो अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट इधर कर रहा है तिब्बत एरिया, लेकिन उसकी फौज तिब्बत में हाँफने लगती है कोरोना की तरह, बहुत ऊंचा है रे ससुरा, ठंडा मार देगा हमको,
चाइना की फौज यहाँ 15 दिन भी नहीं टिक पाती है, और हमारे यहाँ सियाचिन युद्ध, कारगिल युद्ध पहाड़ों पर जीत लिया गया। तो हम लोग से लड़ना चाइना को नेचुरली थोड़ा सा दिक्कत। देखिए हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे पास मोटिवेशन है, एक से एक योद्धा है, बट नो डाउट चाइना के पास लॉजिस्टिक सप्लाई यानी उसकी ट्रेन नेटवर्क और उसके पास हथियार एमुनेशन तगड़े हैं, यानी उसकी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक हमसे तगड़ा है। तो चाइना यहाँ पर उसकी फौज ही नहीं टिक पा रही है, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत के लोगों को यहाँ से ही भर्ती कर रहा है सेना में। अब तिब्बत को खुद ही कब्जा कर रखा है, तिब्बत के लोगों को भर्ती कर रहा है। तो इसमें भारत के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो तिब्बत के लोगों को भड़का सकता है कि भाई जो तिब्बती फौज चाइना में गए हैं, तो मोदी जी आराम से दलाई लामा से कह सकते हैं कि तिब्बत हमारा कब्जा किया जमीन है, कोई भी तिब्बती फौजी न लड़े। और अभी से नहीं, ये पहले से सीक्रेट रहना चाहिए। जब लड़ाई का माहौल हो तो एक बार दलाई लामा अगर कह देंगे ना तो धार्मिक मामला हो जाता है, तुरंत मान लेते हैं लोग एक बात को, किसी भी बात को। धार्मिक चीज में ना वो सही गलत नहीं दिखता है, सीधे हमारा धर्म गुरु बोला सही है यहाँ पर। तो दलाई लामा एक बार बोल देंगे कि जो भी तिब्बती फौजी है चाइना की ओर से न लड़े, तो यहाँ पे देखिए तिब्बत के लोग स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत आंदोलन भी करते हैं, ये लोग बहुत जुल्म करते हैं तिब्बत के ऊपर, ये ससुराल तिब्बतियों के ऊपर, वीगर मुसलमानों के ऊपर, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं क्योंकि इनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो यहाँ हमारे लिए दलाई लामा काम आ सकते हैं क्योंकि इनका शरण स्थल भारत में। आप बताएंगे दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में कहाँ इनका शरण स्थल है, कहाँ इनका मतलब आश्रम है। चाइना जब हांगकांग को पूरी तरह से दबा दिया तो ही चाइना का मन बढ़ने लगा। हांगकांग का एपल्स डेली अखबार को इतना टॉर्चर किया कि उस अखबार के मालिक को जेल कर दिया गया, वो न्यूज़पेपर बंद हो गया, चाइना के खिलाफ लिखता था। सोचिए चाइना अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता है। अब उसकी नज़र पूरी तरह से ताइवान पे है। अब ताइवान के लोगों, ताइवान के मिनिस्टर वगैरह भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द हो सकता है चाइना हमारे पर अटैक करे, हालांकि यूएस नेवी हमेशा इस एरिया में डिप्लॉय रहती है। तो ये लेकिन देखिए चाइना अगर इस साइड में इन्वॉल्व होगा तो यूएस भी डायरेक्ट चाइना से नहीं उलझने वाला है, तो इस साइड में हम लोग को क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिए। रियलिटी ये है कि अभी के वक्त में, एट अ टाइम प्रेजेंट में, चाइना हमसे पैसा, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, हथियार, संख्या, हर चीज में ज्यादा है। हमारे पास राफेल जैसे जहाज भी खरीद के आते हैं, ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना बनाता है, हमारे पास शादी ब्याह वाले भी ड्रोन नहीं है। तो अभी के वक्त में चाइना से उलझना समझदारी नहीं है। देखिए वक्त आने पर आप हाथी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन उसका वेट कीजिए। लेकिन जब चाइना ये सोचेगा कि उसको ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसकी ज्यादातर फौज इस साइड में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि इधर नाटो सेना आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगी, ये वगैरह आ जाएंगे। यही सबसे बेस्ट मौका रहेगा भारत को कि इस साइड से पीओके कब्जा कर ले, क्योंकि चाइना दो फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है, कंफर्म है। चाइना के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ताइवान को कब्जा करना। इसी वक्त अगर हम पीओके पर हमला करके ये लेते हैं तो उस वक्त चाइना पाकिस्तान को मरते छोड़ देगा, ये गारंटी। इसलिए उसने उसको डुप्लीकेट हथियार भी दे रखे हैं और सीधे कह देगा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक साइड एक बार में पीओके आ गया तो भैया ये सीपीईसी जो सड़क है ये चाइना से कनेक्टिविटी टूट गया, ससुरे ग्वादर बंदरगाह तुम्हारा काम खत्म, अब तुमको ग्वादर बंदरगाह के लिए घूम के आना पड़ेगा, यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, तुम्हारा खूब अच्छा से परछावन किया जाएगा, थूर थार के मुंह हाथ यहां से। भारत इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत ने क्या किया है, अपने साइड यहां पर कर्नाटक के कारवार में बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, और एक विशाखापट्टनम में इधर में। अब इन दोनों की खासियत समझिए, पहले नेवल बेस कारवार का समझते हैं फिर विशाखापट्टनम का समझते हैं। देखिए कारवार में ऑपरेशन सी वर्ड, जो प्रोजेक्ट सी वर्ड है, प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत वहां सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। वहां नौसेना की जहाजें आएंगी, लंगर डालेंगी, वहां एमुनेशन, हथियार, फ्यूल, रडार रिपेयरिंग हर चीज करेंगी। इतना बड़ा नेवल बेस होगा ये एशिया में सबसे बड़ा डोमिनेंट करेगा यहाँ पर, और ये पश्चिम साइड में है तो पाकिस्तान इधर से चूचा नहीं करेगा। और साथ में इधर विशाखापट्टनम में, इधर तो हो गया कारवार वाला में, इधर विशाखापट्टनम से लगभग 150 किलोमीटर दूर रामबीली में, रामबीली में भारत जो है अपनी पंडुबियों को छुपा के रखने के लिए पहाड़ के अंदर खोद दिया। पंडुबी अब यहाँ अंदर कौन जा रहा है, किसी को नहीं दिखेगा, पंडुबी अंदर अंदर आएगी, घुस जाएगी, और इसके अंदर 6 पंडुबियों को रखने की व्यवस्था। देखिए एक यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ 3 यहाँ। ये पंडुबी छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रेन की साइज की होती है सर, ट्रेन समझते हैं ना, जो रेलगाड़ी उतना बड़ा बड़ा होती हैं सब, और पानी के अंदर चलती हैं सब, अब साइलेंट किलर बोला जाता है। तो रामबिली में हम ऐसे पनडुब्बियों को छुपा सकते हैं। चाइना भी इस पर बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। चाइना ऐसे 6 नेवल बेस यहाँ बना लिया है, जिसका सबसे बड़ा नेवल बेस हेनान प्रायद्वीप में, या जो है उसका यूलिन एयर नेवल बेस है। देखिए यूलिन नेवल बेस में यहाँ एक पानी वाली जहाज खड़ी है, यहाँ खड़ी है, आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पनडुब्बी जाती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ से, ये पनडुब्बी इसके अंदर घुस जाएगी यहाँ पे, अंदर अंदर पता
नहीं चल पाता है यूलिन एयर नेवल बेस पे, हालांकि ससुरा चाइना कितनो छुपाए। तो जब हमारा पता चल जाता है तो हमारी सेना को नहीं पता चलेगा, नहीं हो पता रहा है तो बता तो दिए रहे। इन सब को देखते हुए हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके अंडर में थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को ये एडवाइस दे सकते हैं। ये एक तरह का एडवाइजरी बोर्ड होती है, ये तीनों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीन सेना से अब काम नहीं चलने वाला है, अब हमें और एडवांस बनना है। और कोई सेना, तो आप कहेंगे ये कौन सेना है, तो ये एक और मेरी टाइम कमांड बनाना चाहते हैं। मेरी टाइम कमांड का काम क्या होगा कि भारत के समुद्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी जुटाने का काम, केवल जानकारी जुटाने का काम मेरी टाइम कमांड के पास होगा। नेवी से हट के इसे बनाया जाएगा, उसके पास एडवांस किस्म के रडार होंगे, हेलीकॉप्टर में रडार लगाए जाएंगे, एवॉक्स जहाजें लगाई जाएंगी, बहुत बड़े आकार के कोस्टल एरियाज में हमको ओटीएच रडार, ओवर द हराइजन रडार लगाया जाएगा, जिससे पूरी एरिया पे निगरानी हो और युद्ध के वक्त में नेवी आएगी। अब आप कहेंगे ये कौन मैटर है, देख बबुआ प्रैक्टिकली समझाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता नहीं करता, वो जांच के लिए जांच घर में भेज देता है, जब वहां से पता चलता है तब इलाज करता है। जैसे मान के चलिए आप कहेंगे डॉक्टर साहब भैया दुखा रहा है, एक काम करो अल्ट्रासाउंड करा के आओ यहाँ पे, तो दूसरे जगह भेजेगा अल्ट्रासाउंड कराने, वो रिपोर्ट देगा अगर किडनी खराब है, किडनी का खराब निकाल के फेंक दे इसका, तो डॉक्टर क्या करेगा किडनी फेंक देगा इसका निकाल के, एक किडनी पे चले यहाँ पे। तो वही काम होगा, अब हमारी नौसेना केवल काटने का काम करेगी और पता करने का काम, काटना किसको है, थूरना किसको है, ये करेगी मेरी टाइम कमांड। तो बाहरे भैया बिपिन रावत जी बहुत 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 बढ़िया काम किए यहाँ पर। और ऐसा एक, ये तो एक कमांड हो गया, अभी देखिए ये तो नेवी के लिए है, अब देखिए एयरफोर्स के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो एयर क्षेत्र है यहाँ पर भी जो हमारी एयरफोर्स है, इसका काम ये नहीं है पता करना कि कौन आया, ड्रोन आया, जहाज आया, क्या ना, एयरफोर्स का काम केवल थूरना है, जांच करने का काम हमारी एयर डिफेंस कमांड करेगी। तो अब एक एयर डिफेंस कमांड बनने वाला है जिसके पास हैवी रडार होंगे, सैटेलाइट सिग्नल होंगे, उसके पास एक से एक एवॉक्स विमान होंगे जो पूरी भारत में निगरानी करते रहेंगे कि कोई घुस तो नहीं रहा है यहाँ पर, इसके अलग अलग कमांड्स बनाए जाएंगे और पूरे भारत को रडार पर ट्रैकिंग किया जाएगा। और जब पता चलेगा हाँ ससुरा इधर आ रहे हैं तो जाँच हो गया, अब डॉक्टर साहब को बताया जाएगा। डॉक्टर कौन है, राफेल, सुखोई, MiG-29, ये डॉक्टर हैं, उठेंगे सर, ऑपरेशन करके धक देंगे सर, क्या ससुर तू नहीं। तो ये बनने वाला है हम लोग का एयर डिफेंस कमांड। इसी एयर डिफेंस कमांड के पास जिम्मेदारी रहेगी ड्रोन को काउंटर करने के लिए। अब ड्रोन को काउंटर करने के लिए छोटे साइज के रडार आते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, जो एयरफोर्स के लिए एक हेडेक बन जाएगा। इसलिए ये काम एयरफोर्स से हटा के किसके पास हो जाएगा, एयर डिफेंस कमांड के पास। अब एयर डिफेंस कमांड के पास रडार हैवी पावर के होंगे। अब इनके पास दो तरीका होंगे, एक सॉफ्ट किलिंग, आराम से काटो। सॉफ्ट किलिंग में क्या किया जाएगा, इस रडार का सिग्नल जाम किया कर दिया जाएगा, बस इस ससुरा हुए में रुक जाएगा, कहेगा ए चाचा बोलिए ना दहीने जाएं कि बाएं, ओके उंगा छोड़ देगा और वहीं रुक जाएगा, बैटरी खत्म धाए दे नीचे गिर जाएगा। तो एक होता है सॉफ्ट किलिंग, लेकिन एक होता है हार्ड किलिंग, हचाक से काट देने के लिए। तो हार्ड किलिंग के लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा, DRDO बना रही है और हम ही बहुत गुप्त रूप से हम लोगों ने इजराइल से समझौता कर लिया है यहाँ पर। तो ये हार्ड किलिंग, तो एक ही जगह पे दोनों रहेगा, छोट मोट ब्याह शादी वाला रहेगा तो उसको सॉफ्ट किलिंग, बड़ बड़ रहेंगे तो हार्ड किलिंग, लेकिन किलिंग किलिंग मतलब किलिंग, चाहे वो सॉफ्ट किलिंग हो चाहे वो हार्ड किलिंग हो, समझा। इसके अलावा हमारा जो सबसे डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, मतलब जो हाईली टेंशन वाला एरिया रहता है, वो यही रहता है। इसी एरिया में भारत को हमेशा टेंशन मिलते रहता है, चाहे ससुरा वो कभी डेमचौक में घुस जाता है, कभी यहाँ गलवान में घुस जाता है, कभी अक्साई चीन में घुसता है, कभी POK में, कभी इधर कभी उधर, यही वाला एरिया। तो इसलिए यहाँ भारत का पहला थिएटर कमांड बना दिया जाएगा, जहाँ नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों एक के पास रहेंगे, सर एक के रूम में डिसीजन ले लिया जाएगा। पता चला हुआ पर कोनो घुसल है आतंकवादी तो धाए दे, थिएटर कमांड का एक्शन कैसे होगा, आर्मी चलो, कमांडो चलो, पारा कमांडो चलो, हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई सब चल जाओ, ससुर चोखा निकाल देगा सब, अब ससुर को। तो चोखा निकालने के लिए बनाया जा रहा है थिएटर कमांड, ये बहुत तगड़ा रहेगा हम लोग का थिएटर कमांड। अब देखिए ध्यान से, एक और यहाँ एक डिसीजन लिया जा रहा है हमारे CDS के द्वारा, कहा जा रहा है कि आर्मी को ही कहा जाता है कि आप कश्मीर वगैरह में आतंकवादियों से लड़िए, खास करके कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी ही रहती है वहाँ पे। अब आर्मी को बार बार डिस्टर्बेंस होता है, उसे सुरक्षा चाइना के लिए खतरनाक हथियार रखे कि आतंकवादियों के लिए छोटे छोटे हथियार रखे, टेंशन हो जाता है। तो भारतीय सेना कह रही है कि सेना में से ही
जो एकदम लंबे लंबे दुबले मतलब पतले जवान रहते हैं सब, जो खटाखट इधर उधर कूद फांद सकते हैं, उनको साइड करके एक टेरर काउंटर कमांड बना दिया जाएगा, जिनका काम यही रहेगा कि आतंकवादियों को खोज खोज के आराम से मारते रहे सब यहाँ पे। तो सेना भी टेंशन फ्री रहेगी, ये लोग तो आराम से सेवा करते रहेंगे आतंकवादियों को। जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन से अटैक हुआ है, हालांकि उसमें एक दो जवान हल्का सा इंजर्ड हुए, बहुत बड़ा क्षति नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान वालों ने बहुत बड़ा गलती किया और भारत के ऊपर ये एक एहसान कर दिया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एक खराबी है ससुरा, जब तक ट्रेन हॉर्न ना देगी आदमी चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट का टाइम टेबल नहीं आ जाएगा वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा ससुरा। हम लोग बड़ा उटपटांग काम करते हैं, गर्मी के दिन में आदमी छत पे सोया रहता है, पानी टिप टिप होगा, जब तक ससुरा जोर से ना बरसे आदमी भागता नहीं, आधा बिछौना भीगा जाता है। वैसे ही हम लोग हिंदुस्तान में भी, जब तक कोनो कांड ना हो जाए हम लोग तैयारे नहीं होते। और पाकिस्तान वालों ने एगो छोटा सा चिटपुटिया वाला बम फोड़ के जम्मू एयरबेस पर कांड कर दिया, अब इस कांड से उनके ऊपर महाकांड होगा। रीजन क्या है कि हम लोग अब थर्ड एयर स्ट्राइक करेंगे, अब चाहे यह सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अक्टूबर के महीने से ये नेवी का स्ट्राइक होगा। आप लॉजिक सोचिए, पहले थल सेना मारी सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन जी मारे एयर स्ट्राइक, का नेवी सबका हाथ ना खजवाता होगा, अब कराची स्ट्राइक होगा, पता नहीं उधर कोई बम वम फोड़ दे सब वहां पर। तो ये 15 अगस्त के बाद ऐसी संभावना है, ये बिपिन रावत साहब ने भी कह दिया कि वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अब चूंकि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में उसका 14 अगस्त को उसका जन्म दिवस है, पाकिस्तान की आजादी दिवस नहीं है, पाकिस्तान का 14 अगस्त को जन्म हुआ था तो जन्मदिन मनाता है, हम लोग तो आजादी मनाते हैं, तो वो जन्मदिन मनाता है तो उस समय थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद हम लोग उसको धोएंगे लोग। अब पाकिस्तान डरा हुआ है थर्ड स्ट्राइक की वजह से, तो ये रडार और एंटी डिफेंस मिसाइल खरीदा था, एंटी एयरक्राफ्ट, ये मिसाइल हुआ धुआं हो गया, जिस तरह तिरंगा मीवी में नहीं गैंडा स्वामी की मिसाइलें फू फू करके धुआं हो गए, इसमें मालवेयर आ गया है, ये ऐसा खतरनाक है, बटन दबा रहा है तो जहजी कोका करके जहजी उसका मिसाइल रह जा रहा है। कौन दिया है? चाइना दिया है। यहाँ पे देख भैया इमरान चचा, तुमको समझा रहे हैं कि ये खुद चाहता है कि तुम लूटे रहो, क्योंकि तुम्हारी हालत जब जब खराब रहेगी तुम इनके पास भीख मांगते रहोगे। रीजन क्या है कि भैया ये चाहता है, इसके लिए पीओके मायने नहीं रखता, इसके लिए ताइवान मायने रखता है। तुम बबुआ ताइवान लो, हम इससे पीओके ले लेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे कि जब चाइना इस ताइवान पर हमला करेगा तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मौका रहेगा कौन से चीज को? पीओके को लाने के लिए। आगे कब थर्ड एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक कब होता है, जब होगा तब हम लोग समझ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। वीडियो हो गया यहाँ पे एंड, ठीक है। तो काफी जो है ना अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है चाइना की, कि वो किस तरह ताइवान पे जो है ना हमला करके उसको जो है ना गैप करना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी उसने पहले ही बनाना शुरू कर दी है हर तरफ से, ठीक है। मतलब श्रीलंका के अंदर एक मिनी चाइना सिटी बनाना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ चाइना वाले रहेंगे, वहाँ पे वीजा वगैरह भी अप्लाई करना होगा। मतलब ये बहुत अजीब इन्होंने बात बताई है कि ये वाकई अगर ये हो गया तो एक किस्म कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर मिनी चाइना, वाकई इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मिनी चाइना ही बन जाएगा, ठीक है। और वो इस साइड पे वैसे भी और बहुत सारी एयर बेस अपने बना के इस साइड को जो है ना अपना सेव करना चाहते हैं। और इन्होंने अंदर बेसिक रीजन भी बता दी किस लिए वो बहुत ज्यादा अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है इंडिया बॉर्डर के साथ, क्योंकि हमने जो रिसेंट दो तीन वीडियोस बनाई हैं उस पर हमें यही कन्फ्यूजन थी कि चाइना चाहता क्या है, मतलब वो अभी इंडिया के साथ जंग करना चाहता है या क्या करने वाले, जो उसने S-400 मिसाइल सिस्टम भी लगा दिया है, अपनी बुलेट ट्रेन भी चला दी है इंडियन बॉर्डर के साथ ही, ठीक है, ताकि किसी भी वक्त तेजी से किसी भी फौजी को या बहुत सारी फौज को वहां से निकाला जा सके या वहां पर डिप्लॉय किया जा सके। बुलेट ट्रेन वहां भी चला दी इंडियन बॉर्डर के साथ। तो मेन रीजन अब समझ आ रही है कि वो असल में इस साइड को सिर्फ प्रोटेक्ट करके ताइवान पे अटैक करना चाह रहा है, इंडिया पे अटैक करना नहीं चाह रहा, ठीक है। दूसरी जो उन्होंने मेन बात किया कि अंदर जो ये बेस्ट जो है चांस होगा इंडिया का कि वो पीओके पे कब्जा कर ले, तो भाई मुझे नहीं लगता ये इतना इजी होगा, क्योंकि पीओके में जो ये मतलब हमारा जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास, उसमें चाइना की आर्मी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की आर्मी है ना। तो अगर चाइना वहाँ पे बिजी होगा ताइवान के साथ और वहाँ से अमेरिका की आर्मी आएगी, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को चाइना की नीड होगी, क्योंकि अभी भी जो सारा कुछ हुआ, जो पहले मुस्लिम मिसाइल पिछले साल चले, अभी जो जहाज गिरा MiG-21 गिरा, ठीक है, वो कश्मीर के अंदर ही पाकिस्तान ने गिराया ना इंडिया का, और इसी तरह इंडिया वाले कहते हैं हमने पाकिस्तान का भी गिराया, तो वो कश्मीर की ही साइड थी सारी, ठीक है। तो वहाँ पे उस वक्त भी चाइना नहीं था या चाइना ने प्रोटेक्ट नहीं किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है कि पाकिस्तान इंडिया के कश्मीर पे कब्जा कर ले या इंडिया जो पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा कर ले, ये रियलिटी बेसिस बातें हैं। आप मतलब कोई भी बंदा जिसे इतनी सी भी सेंस है उस चीज़ को समझ लेगा कि वाकई ये चीज़ इतनी आसान नहीं है,
जितनी हमारा मीडिया या इस तरह का सोशल मीडिया बताते हैं कि इजीली पाकिस्तान अटैक कर सकता है, और इंडिया कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं इंडिया इजीली पाकिस्तान पर अटैक करके जो है ना कश्मीर वापस ले सकता है, मेरा नहीं ख्याल इतना ईजी है इस वक्त दोनों कंट्रीज के लिए, में से किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो बाकी जो इन्होंने ये बात की है, बाकी इन्होंने इंडिया ने काफ़ी, मैं ये बात पहले बहुत सारी वीडियोज़ में देखी है कि बहुत सारी चीज़ों से जो सीखता है फिर आगे वो गलती होने नहीं देता, ठीक है। जैसे इंडिया ने 1962 वार हारी चाइना से हाई एल्टीट्यूड पे, उससे सीखा और फिर उसके बाद जो है ना फिर उस स्ट्रेटजीज को यूज़ किया, उसे पॉजिटिव चीज़ उसमें लेके आए, उसे पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया, ठीक है ना, उसे और इंडिया को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 1962 की वार में जो इन्हें एक्सपीरियंसिस हुए, सेम वही चीज़ बताइए कि अभी ड्रोन अटैक हुआ है तो इंडिया वालों की जो है ना वो आंखें खुल गई हैं कि भाई ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना हमारा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उसके लिए वो स्पेशल एक एयर डिफेंस के स्क्वाड बना रहे हैं, उसका काम ही ये होगा कि सिर्फ ये चीज़ चेक करने की कोई चीज़ आ तो नहीं रही बाय एयर, एयर डिफेंस सिस्टम मतलब उसका काम होगा, जो कि इन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का ये काम नहीं होता, उनका काम होता है रिटेलिएट करना, वापस अटैक करना अगर कोई इन पर अटैक हो जाए, डिफेंस करना, ठीक है। तो इसके लिए वो बस इतना सा काम हुआ है, उन्होंने पूरा स्क्वाड बन रहा है वहाँ पे, तो अच्छी बात है ये, मतलब हर कंट्री के अंदर ही, हर कंट्री बल्कि अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसका हक क्या करना। और इन्होंने एक और बात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है हमारा ATS मतलब वहाँ पे आर्मी के अंदर से बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ट्रेनिंग यहाँ बहुत सख्त होती है, हमारे अंदर पहले से मौजूद है ATS जिसमें कहते हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो सिर्फ यही जो आतंकी होते हैं, आतंकी और जो सारे दहशतगर्द वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट अपनी जो है ना सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो वो इंडिया के अंदर भी, बस इंडिया के अंदर भी होंगे पहले ऐसे स्क्वाड काफ़ी, लेकिन ये शायद एक आर्मी के अंदर से एक स्पेशल बनाना चाह रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग बहुत आउट क्लास होगी, हाई क्लास होगी, ठीक है। बाकी गाइस एंड पे वीडियो को एंड करते हैं, मतलब बहुत एक चीज़ जो है ना यहाँ पे खान सर की पता लगी कि मतलब खान सर की इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक मज़े की होती है, लेकिन काफ़ी ये फनी वे में जो है ना प्रोवाइड करते हैं कि बंदा हंस पड़ता है क्या है, मतलब काफ़ी टॉन्ट भी करते हैं पाकिस्तान को और चाइना को, और लेकिन काफ़ी मज़ा आता है इनकी वीडियोस देखने, इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं और लेकिन काफ़ी फनी अंदर से कुछ ना कुछ कर देते हैं ऐसा कि बंदा कहता है यार मज़ा आ गया, ठीक है। और बस इसी के साथ जो है ना वीडियो को एंड करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मतलब हमेशा की तरह वही पैगाम देंगे कि अमन 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 रहे, ठीक है ना। ये इस तरह की जो अंदर से कुछ शिद्दत पसंद होते हैं, कुछ अनासर जिनका यही काम होता है 24 घंटे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया जाए, अटैक कर दिया जाए, हम पूरा इंडिया कब्जा कर लेंगे, इंडिया वाले कहते हैं पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जाए, इनको ज़रा जो है ना अकल आए, समझ आए और अमन से रहने की जो है ना कोशिशें हमारी जो आगे चलती रहें, अमन हो, ट्रेड चले, चाइना भी जो है ना और ना इंडिया के साथ ना किसी और कंट्री के साथ पंगा ले फिर ही सही है, क्योंकि चाइना भी वैसे ही इतना आगे जा रहा है, तो मुझे ये नहीं पता उसे क्यों इतनी ज़रूरत पेश आ रही है और कंट्रीज पे कब्जा करने की, उन पर ताइवान पर जैसे कह रहे हैं, श्रीलंका के अंदर बेसिस बनाने की, तो समझ से बाहर है। बहरहाल पॉजिटिव वाइब्स के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक रखें अपना बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।